है ना? काफी है, घर में है, किसी फ्रेंड को जरूरत हो यहाँ पे करें कॉल, सही मेरे है, सामने बैठ के बात कर रहे हैं ना, सही है, बीबी तो इट्स है। इनफ। अच्छा, तो आप, आपके आपके पास आपके बच्चे हैं, जी कितने हैं, तीन, बड़े हैं? नहीं सबसे बड़ा है 13 इयर्स का। आपने तो अभी मोबाइल फोन नहीं लेके दिया होगा, है नहीं ना, बिल्कुल नहीं और दिया, देंगे भी नहीं, नहीं जिद करता है। नहीं, वो घर में बस अपने, उनके है ना, मेरे पास भी है, उनके फादर के पास भी है, अगर वो यूज करना चाहें तो वो मेरे सामने, मैं उनको नंबर कॉल कर देती हूँ। वेरी नाइस, ये अच्छा है भाई, दिस इज अ गुड अप्रोच। और आपके बच्चे अच्छे हैं, सीधे सीधे जिद नहीं करते। नहीं सीधे नहीं है वो, यही बहुत तो मुझे एक्टिव मालूम है, वो हर चीज में बहुत करना एक्टिव है। अच्छा, रात को सोते हुए मोबाइल आपके पास ही होता है ना? बस का ख्याल जी। नहीं ये रखिएगा। ऐसी भी नहीं बात है, मतलब चलिए जी, ठीक है, क्या पूछना चाहेंगी? ये मैं ना अपने बेटे के मुतालिक पूछना चाह रही हूँ। ठीक है, बेटे के मुताबिक, बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 27 अगस्त 27 अगस्त 2001, 2001 कहाँ पैदा हुए? लाहौर ये लाहौर में ही पैदा हुए हैं में और पैदा ये हुए रात थे, 10 से 11 बिटवीन हुए हैं। 10 से 11 के बीच में। अच्छा जी, जी जी पूछेंगे क्या बेटे के बारे में? ये वाला जो बच्चा है ना, ये कुछ ज्यादा ही अजीब सी हरकतें करता है, मतलब बहुत तंग करता है, स्टडी में बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, अच्छा। बहुत ही हाइपर है, थोड़ा हाइपर नहीं है, यानी इसे लगाएं, वैसे वो ठीक है नॉर्मली, मतलब खाने पीने में ठीक पढ़ाई है, में पढ़ाई कैसा है? में भी वो ठीक नहीं है ना। पढ़ाई में भी ठीक नहीं है। जी जी स्पोर्ट्स में कैसा है? गेम्स में ठीक है, गेम्स में ठीक है, वेरी नाइस। खाता पीता किस तरह है? खाता पीता सही है? वो ज्यादा वो एग ज्यादा शौक से खाएगा, चिकन शौक से खाता है, इसके अलावा वो किसी चीज आहा, को नहीं खाता। थोड़ा थोड़ा सुपर नेचुरल है, थोड़ा सुपरनैचुरल है कि नहीं? हाँ थोड़ा जी जी है ना, सुपरनैचुरल से क्या मुराद है भाई? कुछ मामूल से हटा हुआ जीनियस मामूल टाइप से का। जिन जीनियस जीनियस है उसके जीनियस ऊपर, जीनियस मतलब अपनी मर्जी हो, जो उसने कहना, मतलब जो उसने करवाना है वो उसने करवा लेना, चाहे वो गलत है, चाहे हमें लग रहा है वो गलत है, उसने कहा नहीं बस ऐसे होगा तो बस ऐसे ही होगा। जीनियस है, मैं जिन समझी, सारी नहीं, चलिए नहीं वो नहीं, मुझे इसके कुछ सोल्यूशन बताए ना, मैं इसका क्या करूँ। अच्छा जी, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, चलें ठीक है, थैंक यू चलिए सो ओके, मच लव फॉर यू। कॉल। सर हाँ आपने तो मुझे डरा दिया नहीं जिन्हें नहीं उसके जिन जिनों से कौन डरता है, जिन खुद डरते फिरते हैं जिनका। ऊपर, यही तो असल में ये है तो गैर मामूली बच्चा ही है, गैर मामूली बच्चा है। जहनी तौर पर ये, हम इसको कह सकते हैं, थोड़ा सा सुपर नेचुरल है। शार्प है, बहुत एक्सट्रीमली शार्प के शार्प अलावा है। नहीं, इसकी इसकी बातों में मामूल से हटी हुई कैफियत होगी। शायद इसकी की हुई बात या इसकी की हुई हरकत अनोखी होगी। ये आइंस्टाइन तो नहीं बन जाएगा? आइंस्टाइन के लिए फिर तफसीली चले जांच में जाना बनो। पड़ेगा, इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, उनके पास शायद होगा, हमारे पास नहीं है। लेकिन ये बहरहाल बच्चा बहुत होशियार समझदार, लेकिन थोड़ा सा रूहानी सलाहियतों का हामिल होगा। रूहानी सलाहियतों का हामिल मुमकिन तौर पर हो सकता है। इसके मुँह से आने वाले दिनों में आप देखेंगे, ये इसके मुँह से निकली हुई बात में, मतलब यानी कि पूरी हो जाना, काली काली जबान जबान, क्या इसका बात है, कुछ पेशनगोई टाइप का। इंट्यूशन बड़ी हाँ, अच्छी है इंट्यूशन बच्चे की, इंट्यूशन वेरी इंट्यूशन उसका था, नाइस वजदान वेरी जो है बहुत नाइस, अच्छा है। क्या बात है जी, कमाल है। उसको छोड़ दे, उसके हालात है, वो खुद ही सेट रहेगा, जी उसके उसके साथ ज्यादा परेशान नहीं हो, इसका मतलब ये है ना, जी वो खुद तो ही सेट होगा, वो चार खुद पाँच ही छः सेट भी सात रहेगा आठ जी, आप नौ देखिए वो दस अपने काम कैसे चलाएगा और निकालेगा, बस। ऐसे बच्चे होते हैं। अच्छा जी, एक और कॉल हमारे पास मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, गुड, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? मिसेस फहीम बात कर रही हूँ। मिसेस फहीम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बोल के माशाल्लाह जवाब दें। बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा आपके एक क्वेश्चन का आंसर देना था कि बच्चों के पास जब स्कूल है तो फिर मोबाइल क्या? चू, लेकिन आजकल क्या आपने देखा है, वालदेन बच्चों को ब्लैकबेरीज लेके दिए हुए जी, वो छोड़े उनका ब्लैकबेरी, अपना, मोबाइल फोन ही, नॉर्मल छोटा सा वो 1,500 वाला मोबाइल फोन ही सही, लेकिन क्यों? मगर मैं इस चीज को नहीं वो करती भाई, आपको अगर स्कूल, अगर आपको बच्चे से कांटेक्ट ही करना है तो स्कूल में भी आपके पास फोन अवेलेबल है और टीचर्स भी हैं स्कूल में, आप उनके सेल पे भी बात कर सकते हो। अच्छा क्या नहीं, उनको घर पे आके चाहिए होता है कि दोस्तों से कांटेक्ट रखना है और मेरे सारे दोस्तों के पास है और ये क्या तरीका है, आई फील अशेम्ड, आई फील बैड, तो घर आई में डोंट भी हैव फोन इट, है, आप बच्चे को कह सकते हो कि आप घर से बात कर लो बेटा वो नहीं अपने। मानता, मानता ही नहीं है, हड़ डाला हुआ होता है। यार मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं,
अल्लाह आपके बच्चे वाकई बहुत अच्छे हैं मेरे ना। बस छोटे हैं ना अभी, अभी कुछ पता नहीं है, थोड़े से बड़े होंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, ये नहीं पता मुझे। बस ये काम करें आप, अभी से ना रूल्स एंड रेगुलेशन लिख के फ्रिज पे लगा दें। मैं बहुत डिसाइड कर चुकी हूँ, थोड़े से बड़े होंगे तो। सिर्फ बात नहीं करें, एक काम करें रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन लिख के ना फ्रिज पे लगा दें, ये फॉलोंगे एट एनी कॉस्ट। ये बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने। ये तो बहुत मना, बच्चे नहीं मानते ऐसे, बच्चे को डे वन से पता हो कि सॉरी घर में ये रूल है, मैं इस बात पे जिद ही नहीं कर सकता। आजकल तो जो गोल वाला बच्चा है ना, मेरी बेबी 7 मंथ की है, उसको पता है फोन का। आप यकीन करें कि वो उठा ले, उसके पास रख दो, उठा लेगी, कान से लगा लेगी फोन। मतलब क्या कर सकते हैं फिर, वैसे गलत है, मेरी तरफ से मतलब गलत है, नहीं होना चाहिए। हाँ स्कूल के बाद देखा जाए। स्कूल के बाद मतलब कौन सी एज, 17-18? 17-18 तक हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स गेट टुगेदर बहुत सारा हो जाता है ना, फिर जरूरी है, फिर ठीक है, फिर सोशली चाहिए। ठीक है, अच्छा, हाँ जी, अब क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं लियाकत साहब जब आते हैं तब भी बहुत दफा कॉल मिलाती हूँ, मिलती ही नहीं है कॉल, आज लकीली मिल गई है। आज मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरी फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत सारे चल रहे हैं लाइफ में, और मेरे पास 4 बेबीज हैं, एक बेटे की ख्वाहिश है मेरी। एक काम कीजिए, पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1984, 25th March 1984। ठीक है, कहाँ पैदा हुए? कराची में। कराची में टाइम क्या था? सुबह साढ़े नौ बजे। अच्छा, अब आप बताइए डिटेल में कि क्या फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं डॉक्टर साहब बहुत सारे। ठीक है। जब से शादी हुई है, 8वां साल मेरा शादी को शुरू है, 7वां साल, और बहुत सारे क्राइसिस हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब financial अभी तक crisis, मतलब आप तो जॉब नहीं कर रहे होंगे, हस्बैंड जॉब कर रहे हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड ही जॉब कर रहे हैं। हस्बैंड ही जॉब कर रहे हैं। तो उनकी जॉब स्टेबल नहीं है? मैं कम्प्लीटली हाउसवाइफ हूँ, कम्प्लीटली। ठीक है, उनकी उनकी जॉब स्टेबल नहीं है, क्या होता है? जॉब है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, मगर मतलब तो फिर तो फाइनेंशियल क्राइसिस कहाँ से है? अभी 1 साल हुआ है डॉक्टर साहब उनको, मतलब जॉब पे आए हुए 1 साल हुआ। अच्छा, ओके। तो बस मुझे ये पूछना था कि जब से शादी हुई है फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही है मेरी। अच्छा ठीक है, और बच्चे इतने सारे हो गए तो बच्चों का खर्चा तो और प्रॉब्लम हो गया। बस डॉक्टर साहब अल्लाह ताला जब बच्चे देता है तो कोई ना कोई मतलब वसीला बना देता है। तो अभी देखिए ना, मेरी मतलब फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव हैं, मुझे बहुत सपोर्ट। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। 4 बच्चे हैं अभी आपके ना? 4 बेबीज हैं मेरे, 4 बेबीज हैं अभी आपके, और अभी आप 5वां प्लान करने का सोच रही? नहीं, अभी नहीं, तकरीबन 10 साल के बाद। तकरीबन 10 साल, क्योंकि 7 मंथ की अभी मेरी बेबी है, और डॉक्टर मैं सिजेरियन पेशेंट हूँ, मेरे डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया। सही मना किया। अभी तकरीबन मतलब 10 साल के बाद आप सोचें बच्चे का चले, और वो आप चाह रही हैं कि अब मेल हो। अब मैं प्लान करूं अगर बेबी, तो आप मुझे ये बताएं कि वो ये आपके जो मतलब गेस्ट साहब, इनसे मुझे पूछ के ये बताइए कि मतलब बेटा हो सकता है मुझे या नहीं। चले जी, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी सर, आपने इनका वो बना दिया जायचा? हाँ मैंने बनाया इनका जायचा। अच्छा, इनका जवाब आप अभी दे रहे हैं, क्योंकि एक और कॉल है हमारे साथ मौजूद जी। दूसरी कॉल भी ले लूँ या फिर आप दूसरी भी ले लें, मैं इनका। अच्छा चले, आप तब तक इनका बनाते रहे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ही ड्रॉप हो गई, आई एम सॉरी। अच्छा चलिए जी, पहले इन्हीं का जवाब दे देते हैं। हाँ जी, इनका क्या है मिसेस वाइन का जी? इनका पहला तो मसला ये है कि अभी सर दस्त इनकी जो माली हालात हैं, वो माली हालात तो पूरे मुल्क पर जो और पूरे निज़ाम पर हावी हैं, उसके ज़रिए असर महसूस कर रही होंगी। हकीकतन इनके तो मतलब मुस्तकबिल और इनका हाल और दीगर सूरत हाल बहुत अच्छी नज़र आ रही है, इनके महसूस कर रही होंगी। और ये तो हर कोई छोटी सतह से लेकर बड़ी सतह तक, हर बंदा इस वक्त हर सतह पे अपने आप को। 4 बच्चों के साथ कोई आसान चीज तो नहीं है ना? वो साहब उनके साथ ये भी कह रही हैं कि उनकी फैमिली जो है, शायद हस्बैंड की फैमिली या शायद इनकी अपनी फैमिली, उनको सपोर्ट भी कर रही है। शायद हकीकतन वो महरूमी या वो मसाइल जो जिसे किसी को पेश आते हैं, और खुदा ना करे कि उनको पेश आए, वो शायद अल्लाह ना करे कि नज़र नहीं आ रहे मुझे इसके जायचे में। और इंशाल्लाह ताला मैं दूसरे एक फार्मूले से जो अखज़ किया नतीजा, उसके मुताबिक इनका इंशाल्लाह ताला बच्चा, आइंदा बच्चा होगा, मेल होगा। ये 10 साल बाद प्लान कर रही है। 10 साल में से मुझे शायद वो कह रही हैं कि
शादी का 8वां साल है हाँ। वो मैं इससे दसवां कह रही होंगी अब से मतलब अब से 2-2.5 साल के बाद यूं कह रही हैं ओके एंड देन जस्ट पुट अ फुल स्टॉप क्योंकि 5 बच्चे हो जाएंगे अच्छा जी सर वो टाइम ना बिल्कुल ख़त्म हो गया ठीक है थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आप इतने अरसे बाद दोबारा हाजिर हुए बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके इतने अरसे बाद आते रहेंगे जी हमसे मिलते रहेंगे आप लोगों से मिलते रहेंगे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद जी हम बात करने वाले हैं बोन इंजरी पे तो आप लोग कहीं नहीं जाएंगे विल बी राइट बैक